नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। पुलवामा हमला और उसके बाद भारत की ओर से पाकिस्तान पर किया गया एयर स्ट्राइक, इन दो घटनाओं के बाद पाकिस्तान न सिर्फ एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक्सपोज हुआ बल्कि अलग थलग पड़ गया। विश्व के बड़े देशों की ओर से पड़े दबाव और भारत की कूटनीति का ही नतीजा है कि आज पाकिस्तान वो तमाम फैसले करने को मजबूर हो रहा है जिससे वो भागता आया है। लेकिन इससे पहले कि हम उन फैसलों पर विस्तार से बात करें, हमारे लिए ये याद रखना बेहद जरूरी है कि पाकिस्तान का रवैया और उसका इतिहास इस बात का गवाह है कि वो हर बार प्रोपेगेंडा करके आतंकवादियों को संरक्षण देता रहा है। जिस तरह मसूद अजहर की मौत की खबर फैलाई गई, उसी तरह आप याद कीजिए अतीत में कई बार खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन की मौत की खबरें उड़ाई जाती रही थी। ये उस वक्त की बात है जब वो पाकिस्तान में था और इस तरह की अफवाहों के जरिए पाकिस्तान दुनिया का ध्यान भटकाने और उसे गुमराह करने की कोशिशें करता था। हालात अब भी वही हैं, क्योंकि एक और मसूद अजहर का पाकिस्तान के आर्मी हॉस्पिटल में इलाज करवाया जाता है और दूसरी ओर उसकी मौत की अफवाहें उड़ाई जाती हैं। इस बीच खबर यह आई कि पुलवामा अटैक के बाद भारत की ओर से जो डॉजियर सौंपा गया, इसके कई दिनों के बाद पाकिस्तान ने अपने यहां पल रहे आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई की है। 44 आतंकवादियों को गिरफ्तार करने की खबरें आईं, जिसमें मसूद अजहर का भाई भी शामिल है। पाक के मंत्री शहरयार अफरीदी ने कहा है कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं बल्कि देश के हित में लिया गया है। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी कई मंचों से कहा कि यही वक्त है जब पाकिस्तान आतंक के खिलाफ सही मायनों में कदम उठाए। इसी सोमवार को खबर आई थी कि पाकिस्तान ने अपने कानून में बदलाव करके उसे संयुक्त राष्ट्र के फैसलों को लागू करने लायक बनाया है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के मुताबिक आतंकी संगठनों और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इसके तहत पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अधिनियम 1948 में बदलाव किया गया, लेकिन इस बात को मानने के अच्छे भले कारण हैं कि पाकिस्तान ये सब दिखावे और छलावे के तहत कर रहा है। इस बीच हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कुछ दिखा रहे हैं जो वहां मदरसों पर कार्रवाई हुई है। वहां पर पुलिस पहुंची और ये वो केंद्र होते हैं जहां पर ब्रेन वॉश करके युवाओं को आतंकी बनाया जाता है, और इसीलिए मदरसों पर कार्रवाई करने के फैसले पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार ये दिख रहा है कि एग्जीक्यूट उन फैसलों को किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है, इस पर भी हम बात करेंगे। पर ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये आप जरूर देखिए। आतंक फैला रहे मदरसों पर कार्रवाई करने के फैसले पहले भी हुए हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया है। आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है और बाद में साजिशन सबूत के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया है, और इसीलिए इस बार भी भारत ने आशंका जताई है कि पाकिस्तान का ये कदम आतंकियों की हिफाजत के लिए एक छलावा है, क्योंकि उन्हें आतंक निरोधी कानून के तहत इस बार भी गिरफ्तार नहीं किया गया है बल्कि सिर्फ हिरासत में लिया गया है। इस बीच ये भी आपको बता दें कि जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए भारत सुरक्षा परिषद के 14 सदस्यों से मिलकर अपनी बात रखने वाला है। ये भी जानकारी निकल कर आ रही है, इन देशों में चीन भी शामिल है जो पहले अड़ंगे लगाता रहा है। बीते 10 सालों में संयुक्त राष्ट्र में अजहर को प्रतिबंधित करने की ये चौथी कोशिश होगी, लेकिन इस बार भारत की स्थिति पाकिस्तान के मुकाबले काफी मजबूत है। क्या इसी खौफ से पाकिस्तान आतंक के खिलाफ कदम उठाने का दिखावा कर रहा है, इन फैसलों में कितनी सच्चाई है और कितना ढोंग है, इसे ही हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही दोनों देशों के बीच संबंध ठीक हो जाएंगे। सुनिए। कि जो हमारे हाई कमिश्नर हैं सुहेल महमूद साहब, जो यहाँ आए हुए थे कंसल्टेशंस के लिए, हम उनको वापस दिल्ली लौटा दें और इंशाल्लाह वो दो रोज़ में दिल्ली वापस जाने का इरादा रखते हैं। और ये कम्युनिकेट कर दिया गया है उनके फॉरेन ऑफिस को। हमने फैसला किया है कि जो हमने करतारपुर के लिए राहदारी के लिए जो हमने मीटिंग्स और नशस्तें तय की थी, पाकिस्तान का डेलीगेशन इंशाल्लाह 14 मार्च को हस्पे वादा जो तारीख तय हुई थी पिछली नशस्त में, इंशाल्लाह वो दिल्ली
जाने के लिए तैयार है। तो इमरान खान भी पीस की बात कर रहे हैं, आजकल बातचीत को महत्व देने की बात कर रहे हैं। और शाह महमूद कुरैशी को आप सुन रहे थे, जो कि कई मंचों पर पहले भी ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान के लिए यही वो मौका है जब हकीकतन कुछ फैसले लिए जाएं आतंक के खिलाफ। और यहां पर आपने सुना कि वो ये जाहिर कर रहे थे उम्मीद कि जल्दी ही दोनों मुल्कों के बीच में हालात जो हैं वो सामान्य हो जाएंगे। लेकिन अब जो ये रवैया पाकिस्तान का दिख रहा है और जो कुछ फैसले हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, आखिर उनके पीछे क्या है? क्या कोई छलावा है? क्या कोई प्रोपेगेंडा है जो पहले भी पाकिस्तान करता आया है? और कितना ढोंग है, कितनी सच्चाई है इन फैसलों में? हम इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ब्रिगेडियर अरुण वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, आपका बहुत स्वागत है। अब से कुछ देर में कर्नल आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ जाएंगे रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। और इसके साथ ही राजीव ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, और हरिकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। आप दोनों का, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहले मैं ब्रिगेडियर अरुण वाजपेयी आपसे ही समझना चाहती हूं कि जो हम देख रहे हैं, जिस तरह के फैसले पाकिस्तान की ओर से किए गए हैं, खासतौर से 44 आतंकवादियों को पकड़ा जाना, उसके लिए पहले जो वहां का कानून है उसमें सुधार किया गया ताकि जो संयुक्त राष्ट्र के कुछ फैसले हैं उसे लागू करने के लायक वहां के कानून को बनाया जा सके, और उसके बाद यह खबर आई कि 44 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ मदरसों पर कार्रवाई की गई है, और इन आतंकवादियों में मसूद अजहर का भाई भी शामिल है। लेकिन जो हालात कहते हैं, जो इतिहास कहता है, जो पाकिस्तान का रवैया हमें इशारा करता है कि पहले भी पाकिस्तान ऐसा कह कर चुका है, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ भटकाना होता है ताकि ध्यान भटका करके आतंकवादियों को संरक्षण दिया जा सके। क्योंकि देखिए, अभी वहां से ही इस तरह की खबरें आई हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं गवर्नमेंट के, वो ये कह रहे हैं कि अभी हमने पकड़ा है और सबूत अगर नहीं मिलेगा तो उन्हें छोड़ा भी जा सकता है। तो ये प्रोपेगेंडा है क्या? शुभ्रा जी, बहुत सही, अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो 44 लोग अभी पाकिस्तानी सेना ही कही है, चूँकि पाकिस्तान एक विश्व में ऐसा देश है जो कि मतलब जहाँ की हर देश की एक सेना होती है, पर यहाँ पर पाकिस्तानी सेना का ही एक देश है पाकिस्तान। ओके, देखिए, ये सवाल उठता है कि ये पूरा जो कहानी पाकिस्तान की है ये एक छलावा है, जैसा आपने कहा, और पूर्ण छलावा है। इसका कारण क्या है? इसका देखिए कारण, मुझे आप दो मिनट दीजिए, तीन मिनट, देखिए। सबसे पहली बात क्या है कि पाकिस्तानी सेना के अंदर, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सेना जो है उसने जब से पाकिस्तान बना है एक हवा खड़ा करके रखा है भारत का, और पाकिस्तानियों को ये यकीन कराने की कोशिश की गई थ्रू आउट 70 साल में कि भाई साहब अगर हम नहीं होंगे तो भारत आपको हड़प लेगा। उसका रिजल्ट यह हुआ कि आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सेना का, अगर उनकी आयशा सिद्दीका, उनकी मिलिट्री राइटर हैं, उनकी किताब पढ़िए मिलिट्री इनकॉर्पोरेशन, में साफ लिखा है कि भैया $20 अरब का इनका बिजनेस है हर क्षेत्र में, कोई चाहे वो चप्पल बनाना हो, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक बनाना हो, कुछ भी हो, सीमेंट हो, हर जगह पाकिस्तानी सेना घुसी हुई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा देश, और ये भी, और यहाँ एक और चीज समझ लीजिए, पाकिस्तानी सेना चूंकि एक पॉलिटिकल सेना हो चुकी है, 70 साल में आधा टाइम उसने ही पाकिस्तान पे शासन किया था, इसलिए जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, ये एक पॉलिटिकल आर्मी है, ये आपसे लड़ने वाली नहीं है। 2,80,000 से 3 लाख जो है उनके जो है आपके, उनके जिहादी उनके कंट्रोल में है, पैम्पर्ड है, जिनको कि उन्होंने हथियारों से लैस किया है, जिनको की देखभाल करते हैं वो, और उनमें हकानी नेटवर्क है आपका, अफगान तालिबान है आपका, जो है ये जैश ए मोहम्मद है आपका, ये हिजबुल मुजाहिदीन है, और तीसरा एक है जो लश्कर ए तैयबा, ये 5 जो है उनके खास लोग हैं। आप मुझे बताएं कि जब ओसामा, तो आप कहेंगे कि भैया ठीक है, अब तो 44 साल ये अंदर बंद कर रहे हैं, अंदर ये हर समय ऐसे ही होता है। जब मुंबई अटैक हुआ तो, और 177 भारतीय मारे गए,
हमने कुछ नहीं किया, और उन्होंने उस टाइम पर भी इन सबको अंदर बंद किया था, नजर बंद भी कर दिया था उसको, हाफिज मोहम्मद सईद को, और उसके कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया। लखवी साहब भी अंदर थे, लखवी साहब ने तो बच्चा भी पैदा कर दिया अपने क्या बोलते हैं वहां पर जेल के अंदर। तो साहब देखिए ये सब छलावा दिखावा है। एक बात और आप याद रखें कि वहां पे जो सिद्दीकी, मैं नाम याद नहीं है, शायद सिद्दीकी हो या कुरैशी हो, जिन्होंने कि ये खबर दी थी अमेरिका को कि साहब जो ओसामा बिन लादेन है वो अबेटाबाद में छिपा हुआ है और जिसके ऊपर कि अमेरिका ने वहां पर रेड डाल के उसको मार दिया था, उस बंदे को तुरंत जेल में डाल दिया गया और आज तक आपको पता नहीं वो कहाँ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए जिसके खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाई करना चाहता है वो तुरंत हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर आपको पता होना चाहिए कि भारत में तो आपके सारे जितने भी हैं वो नॉर्मल कोर्ट्स में चलते हैं इन जिहादियों के मसले, पर पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ही है जो अपना कोर्ट चलाती है और उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये याद ख्याल रख लीजिए कि ये सब एक छलावा है, दिखावा है जैसा आपने कहा, और मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये कुछ दिनों के बाद फिर छूट जाएंगे। देखिए पाक के मंत्री हैं शहरयार अफरीदी, उनकी तरफ से बयान आया है कि ये पाकिस्तान के हित के लिए किया जा रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये वही मंत्री हैं जिन्होंने पहले कई शर्मनाक बयान, कई अशोभनीय बयान दिए हैं इस तरह के, जो सीधे आतंकवादियों को, हाफिज सईद जैसे लोगों को संरक्षण देने के पक्ष में हैं, और ये दिखाते हैं कि कैसे सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वो सेना के साथ मिलकर इस तरह के आतंकवादियों पर कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि जब तक मैं हूँ सरकार में या जब तक मेरे पास पावर है तब तक उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। इस तरह के बयान हैं ये शहरयार अफरीदी साहब के। तो कैसे इस तरह के देश पर, इस तरह के मुल्क पर भरोसा किया जाए जो कि कहता कुछ और है, करता कुछ और है, और इतिहास ही पूरा रहा है कि आतंकवादियों को किसी न किसी रास्ते सामने से या पीछे से संरक्षण देते रहे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त आरपी सिंह साहब भी, कर्नल आरपी सिंह जुड़ गए हैं। सर आपके पास मैं आती हूं, और कई सारी खबरें चल रही हैं एक दो दिन से मीडिया में। पहले तो ये आया कि पाकिस्तान ने अपने भीतर कानून में कुछ बदलाव किया है, वहां पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अधिनियम 1948 में बदलाव किया है ताकि जो टेररिस्ट हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट में हैं उन पर कार्रवाई की जा सके, उन संगठनों पर कार्रवाई की जा सके जो कि पहले भी मांग होती रही है लेकिन कार्रवाई उन पर होती नहीं है। और उसके बाद हमने देखा कि 44 आतंकवादियों को गिरफ्तार करने की खबर आई जिसमें मसूद अजहर का भाई भी शामिल है। इस तरह के कई फैसले हुए हैं, इन्हें आप कैसे देखते हैं? क्या ये वही रवैया है कि दिखावा करो दुनिया के सामने ताकि ये लगे कि हाँ ठीक है आतंकवाद के खिलाफ है ये देश, लेकिन अंदर खाने उन्हें प्रश्रय देते रहो? देखिए इसमें अब ये कार्रवाई पुराने तौर पे हो रही कि नए तौर पे हो रही, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट कोई और आ गई है। पहली बात जो मैं इनिशियली समझ रहा हूँ और देख रहा हूँ, ये तो बेसिकली एक फेस सेविंग हो रही है, जो कि मैं पिछले हफ्ते से ही आपको बता रहा हूँ, ये फेस सेविंग है कि अभी कुछ ना कुछ करना है उनको। और दूसरी चीज़ ये, इस ये डिप्लोमेटिक दबाव के तहत ये कार्रवाई की जा रही है कि जिससे पाकिस्तान को ये दिखाना इंटरनेशनल लेवल पे कि वो आतंकवादियों के खिलाफ वो कार्रवाई कर रहे हैं, पीछे नहीं हटे हैं। और उसी में ये 44 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया, जिसमें असद महमूद का बेटा भी है, मसूद का बेटा भी है, भाई है, हाँ। तो दिखाए भाई भी है और बेटा भी शायद है, दो लोगों का है ये कार्रवाई। तो वो अगर दिखाया जा रहा है तो वो तो सही बात है। और ऐसी कहावत जो है पहले भी हो चुकी है, और लेकिन बाद में कोई सबूत नहीं मिला। छोड़ा जो मैंने सुना, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम दो हफ्ते इनको इंट्रोगेट करेंगे, और एक तरह से इंट्रोगेट करेंगे यानी दो हफ्ते तक वो सेफ है, पुलिस कस्टडी में है, समथिंग लाइक किसी भी क्रिमिनल को अगर इंडिया के अंदर भी पुलिस कस्टडी में चला जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के कई क्रिमिनल्स हैं आजकल बंद है जेलों में, तो वो सेफ हैं, जिससे कि उनके विरोधी उनको ख़त्म ना करें। तो वही हाल वहाँ पे है। दूसरी बात ये कि भाई वो ये तो मान ही नहीं रहे कि वो टेररिस्ट हैं, वो अब उनको चेक कर रहे हैं कि वेदर इनके पास सही डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है, इनकी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, और बाद में दो हफ्ते बाद तक वो अपना टाइम एंड स्पेस ले रहे हैं। अब इस चीज को हाल में ही ये बताया गया कि यूएन के अंदर उठाया जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पे उठाया जाएगा। दूसरी चीज, अब एक चीज और वो कैश कर रहे हैं, लेट मी आपको मैं सही से बता रहा हूँ, अब उसको ध्यान दीजिएगा, दे आर ट्राइंग टू बाई इंडिया टाइम
अब इंडिया के पास टाइम ही नहीं है, बिकॉज इलेक्शन सर के ऊपर है। इंडियन आर्मी या इंडियन जो यहाँ पे रूलर्स हैं उनको कोई डिसीजन लेने में दो बार सोचना पड़ेगा कि हम इलेक्शन में जाएं कि लड़ाई में जाएं। अभी एक चीज और कहानी आई है कि वो उन्होंने अपने फॉरवर्ड एरियाज पे ट्रुप्स भी मूवमेंट कर दिए हैं और ट्रुप्स बिल्डअप कर चुके हैं, यानी कि इंडियन ट्रुप्स की भी बिल्डअप की जरूरत पड़ने वाली है। तो इस तरह से जो कार्रवाई वो कर रहे हैं, एक तरह से अब इंडिया को बैकफुट पे लाना चाहते हैं कि जो इंडिया उनके खिलाफ कार्रवाई पूरे अंतर्राष्ट्रीय तौर पे, आर्थिक तौर पे और मिलिट्री तौर पे कर रही है उसमें थोड़ी सी जो है वो ढील दे प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो ये कार्रवाई हो रही है जहां तक मैं समझता हूँ, और ये कार्रवाई अभी चलेगी। बिल्कुल, अंदर खाने जो है आतंकवाद को प्रश्रय देना जारी है और सीमा पर से जो खबरें आ रही हैं वो भी चिंताजनक हैं, क्योंकि बार बार जो टेंशन है वो भी बना हुआ है। कई तरह की खबरें जो आ रही हैं सरहद पर से वो हम जानते हैं, हम सबकी नज़र में है। और जो नेवी में, जो नेवी की ओर से, हमारी नेवी की ओर से जो बयान आया वो भी हम जानते हैं कि आतंक को भेजने की पानी के रास्ते कोशिश अब पाकिस्तान कर रहा है टेररिस्ट को भेजने की, ये भी इंफॉर्मेशन एक है जिस पर अब बहस छिड़ी हुई है। लेकिन इन सब के बीच मैं राजीव जी आपके पास आना चाहती हूँ, और ये जो सर ने कहा इसका जिक्र पहले भी हमने डिबेट में किया कि पाकिस्तान की ओर से भी ये कहा गया है, वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं ये कह रहे हैं कि ठीक है हम दो हफ्ते तक रखेंगे, इंटरोगेशन करेंगे आतंकवादियों से, सबूत नहीं मिलेगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं। ये जो रवैया है ये कितना खतरनाक है। वो आतंकवादी जिन पर लगातार पूरे विश्व की नजर बनी हुई है, वो भारत के लिए, तमाम दूसरे देशों के लिए खतरनाक हैं, उनके लिए ये देश ऐसा रवैया रखता है तो क्या ये समझा जाए कि पाकिस्तान फिर से एक बार छलावा कर रहा है। लेकिन दूसरी बात कि पहले की जो स्थिति रही है और अब की जो स्थिति रही है उसमें फर्क क्या है, क्योंकि देखिए अभी पाकिस्तान में जो प्रश्रय पाया हुआ आतंकवादी है मसूद अजहर, उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए अब हम बिल्कुल मुहाने पर खड़े हुए हैं और एक ही कदम दूर हैं ये माना जा रहा है। 14 देशों से भारत बात करेगा और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेगा, जिनमें चीन भी शामिल है, और पिछले एक दशक में ये चौथा मौका होगा। चार बार हम कोशिश कर चुके हैं लेकिन फेल हुए हैं, लेकिन इस बार जो है हालात अलग लग रहे हैं, और चीन भी पक्ष में अगर आ जाता है तो मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने से नहीं रोका जा सकता। तो पहले के जो हालात थे अब के जो हालात हैं वो कितने अलग हैं? देखिए शुभ्रा जी, बिल्कुल कर्नल साहब ने ठीक बोला कि पाकिस्तान समय लेना चाहता है और अभी कह रहा है कि वो दो हफ्ते जांच करेगा। अब ये बताइए कि ये जो 14 साल या 24 साल में जो सबूत नहीं पेश कर पाए, वो 14 दिन में कौन सा ऐसा सबूत वो दिखाएंगे कि ये टेररिस्ट हैं और आतंकवादी गतियों में जुड़े हुए हैं? संभव है, क्योंकि इतना प्रेशर है और भारत के इस समय जो तेवर हैं, पाकिस्तान को अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि ये तेवर नए तरीके के हैं और उसको नुकसान हो सकता है। संभव है कि वो उसके बाद ऐसा कहे कि हाँ सबूत मिले हैं, हम इनको जेल में डाल दे रहे हैं। तो वो एक तरह से एक निशाने से, एक तीर से दो निशाने साध रहा है कि एक तो उनको सुरक्षित कर रहा है, 14 दिन के बाद अगर उनको वो फ्री छोड़ देता है तो उन पर खतरा फिर बढ़ जाएगा, अगर वो जेल में डाल देता है तो फिर वो सुरक्षित है, एक महीने एक साल या उनको अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए, इसके पहले भी ऐसा हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान का जो भी ये रवैया है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो अभी जैसे बताया कि मदरसों पे, वो मदरसे जो कि अजहर मसूद का संगठन चलाता था उसको डिमोलिश करने जा रहे हैं, तो ये सब वही जताने की कोशिश है कि देखिए हम ईमानदार हैं। आपको याद होगा कि 65 ताशकंद में हुआ समझौता, 71 में शिमला समझौता हुआ, उसके बाद कोई बदलाव आया नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर को जब तक ये विवादित हिस्सा मानेगा, उस पर ये कहेगा कि ये भारत का हिस्सा नहीं, तब तक ये विवाद बना रहेगा और पाकिस्तान और भारत के संबंध कभी भी नहीं सुधर सकते। फॉर द टाइम बीइंग है ये कि वो कुछ समय के लिए, क्योंकि अभी इलेक्शन और भारत के पास बहुत बहुत ऑब्जर्व कर रहा है भारत, और उसको ये देखना होगा कि ये जो प्रयास कर रहा है वो हमको नहीं लगता कि बहुत कोई किसी ठोस निष्कर्ष पे ये पहुंचेगा। ठीक है हरिकेश, क्या आपको भी यही लगता है, क्योंकि जो तस्वीरें चल रही हैं अब उन तस्वीरों के जरिए वो भारत की मीडिया में भी चल रही हैं, पाकिस्तान की मीडिया में भी चल रही हैं, और जाहिर है कि इंटरनेशनल मीडिया में भी पहुंचेंगी, क्या मदरसों पर कार्रवाई की जो तस्वीरें हम बार बार दिखा रहे हैं इस तरह
के प्रोपेगेंडा के जरिए सिर्फ पाकिस्तान भटकाने की ध्यान कोशिश कर रहा है, या वाकई इस बार माना जाए कि कुछ अलग पाकिस्तान की जो की बात इमरान खान करते हैं तो इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है? देखिए शुभ्रा, भारत और पाकिस्तान दो देश हैं। ये बर्लिन की वो दीवार नहीं है जिसे गिरा दी गई और जर्मनी एक हो गया। मैं ये कहने की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान और भारत में जो मूलभूत अंतर है वो विचार की लेवल पर अंतर है। भारत की ओर से बहुत सारी चीज़ें आप सुनते पाएंगी कि हम पाकिस्तान को अपना मानते हैं, और यहाँ से बहुत सारे ऐसे स्टेप भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान की सहायता के लिए या पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने की जो हमारी कवायद है वो रहती है। लेकिन पाकिस्तान में एक जो सेना का काम है और ISI का काम है वो वहाँ के देश में उस चीज़ को जन्म लेने ही नहीं देता है। वो अंकुरण पाने की कोशिश में होता है लेकिन उसको कुचल दिया जाता है, क्योंकि सेना के वहाँ पे अपने खुद के हित साधने के जो कवायद है आप रक्षा विशेषज्ञों से जान सकते हैं इसको बेहतर तरीके से, क्योंकि सेना जो है वहाँ पर एक तरीके से पूरे पाकिस्तान पे कब्जा करके बैठा हुआ है, और उसके जो भी विचार वहाँ पर सॉफ्ट कॉर्नर के हिसाब से उठेंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच, पूरे विश्व में अगर कोई बहुत डिस्टर्ब कोई लाइन है जिसको हम सीमा रेखा कहते हैं दो देशों के बीच की, तो वो भारत के बीच की है। और जो सबसे शांत सीमा रेखा है वो कनाडा और अमेरिका की है। तो कहने की बात यह है कि किसी भी देश के विकास के लिए, संबंध के लिए अगर विचार की बात करें तो उसमें पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खराब हालत में है, और भारत के लिए वो हमेशा डिस्टर्बिंग एलिमेंट की तरह काम करता रहता है। और ये बात एकदम तथ्यात्मक रूप से साबित हो चुकी है कि 1947 के बाद से, 1947 ही क्यों, जब से पाकिस्तान का एक विचार जन्मा, मैं 1919 तक की बात कर रहा हूँ, पीछे तक की बात कर रहा हूँ, जब से यह विचार जन्मा तब से उस विचार पे काम हो रहा है और लगातार वो ऐसे ही बना हुआ है। और कश्मीर की जहां तक समस्या है, पाकिस्तान मानने को ही तैयार नहीं है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, तो हमारे पास वो एकदम लेवल है कि हमारे साथ उसकी लड़ाई लगातार होती रहेगी, कहीं कोई सुधार की गुंजाइश है नहीं। दूसरी तरफ जो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की बात है, प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही उसको लगता है कि हम वैश्विक स्तर पर अलग हो जाएंगे, हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज खत्म कर दिए जाएंगे, वो तुरंत एक ऐसा छद्म भेष बना करके उसको सबके सामने प्रोजेक्ट कर देता है कि ताकि लोगों को ये लगे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मार्च 13 का हम इंतजार कर रहे हैं, जब इस पटल पर रख करके जैश ए मोहम्मद और मसूद अजहर को बैन किया जाएगा और आतंकवादी स्तर पे उनको, वैश्विक आतंकवाद के स्तर पे उनको आतंकवादी संगठन घोषित किया जाएगा। ठीक है, इस समय फ्रांस उस पे निगाह जमाए, बिल्कुल 13 तारीख का इंतजार करना होगा, और उससे पहले अपनी पूरी डिप्लोमेटिक जो स्ट्रेंथ है वो इस्तेमाल कर रहा है इंडिया, और इसलिए 14 मुल्कों से बातचीत हो रही है, ये करेंगे और ये परस्यू करने की कोशिश करेंगे कि इस बार कोई अड़ंगा नहीं आए, और चीन भी उसमें शामिल है जिससे भारत बातचीत कर रहा है। अरुण वाजपेयी जी, जो बात अभी RP सिंह साहब ने कही थी कि पहले जो था सरकार कोई और थी और अब सरकार बदल गई है वहाँ पर, इसीलिए अभी देखना होगा कि किस तरह से वहाँ पर जो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई है वो आगे बढ़ती है। लेकिन एक बात मैं आप दोनों से छोटा छोटा कमेंट चाहूँगी क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम बचा है, वाजपेयी जी आपसे पहले, उसके बाद आर पी सिंह साहब आपसे, कि सरकार भले ही बदले लेकिन सेना का चरित्र जो है वहाँ पर नहीं बदलता है, और इमरान खान के बारे में तो शुरू से कहा जाता है कि वो सेना के पपेट हैं, उसकी कठपुतली हैं, तो क्या जो सेना की भूमिका वहाँ पर है उसे अगर ध्यान में रखें तो ये माना जा सकता है कि पाकिस्तान के चरित्र में कोई फर्क आएगा? शुभ्रा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। पहली बात तो मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां से आपने ख़त्म किया कि जी हां, इमरान खान टोटल 100% या 102% अगर ऐसा कुछ परसेंटेज होता है वो पपेट हैं, और उनको बाजवा साहब लाए हैं ताकि उनका पूरा कार्रवाई, क्योंकि बाजवा साहब को एक्सटेंशन चाहिए है, इसलिए पूरी कार्रवाई जो है उनके मर्जी से हो। तो यहाँ पर इमरान खान को तो एक समझ लीजिए कि मुखौटा है, वो है अपना बोलते रहेंगे, वो छोड़िए। यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, एक ये कि पाकिस्तान आज वेट कर रहा है कि चाइना का रुख क्या बनता है अजहर महमूद के लिए। इस यहाँ पर खास ख्याल रखने की बात है कि इस बार फ्रांस जो है, चौथी बार जैसा आपने कहा, चौथी बार फ्रांस, अमेरिका और UK तीनों वीटो पावर हैं, ये परमानेंट मेंबर भी हैं, और ये प्रस्ताव ला रहे हैं कि अजहर महमूद को आप डिक्लेयर करिए एज ए ग्लोबल टेररिस्ट।
अब क्या है कि यहाँ पर चाइना का जो रुख बनता है और जैसा कि रुख बन रहा है, इसलिए आश्चर्य नहीं होगा अगर पाकिस्तान खुद डिक्लेयर कर दे, क्या बोलते हैं, अजहर महमूद को एज ए ग्लोबल टेररिस्ट, थिंकिंग की चाइना भी जो कि साथ आएगा। डाइल्यूट करने के करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। आप भी सिंह साहब, जी तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर पूरी कोशिश होगी कि कहो पाक, और जैसा आपने बताया बिल्कुल सही बताया कि वो फिर इस पूरे मुद्दे को डाइल्यूट कर देगा खुद ही डिक्लेयर कर। पॉइंट वन, पॉइंट टू, एक और है पॉइंट जी, देखिए वक्त मेरे पास बहुत कम है, शॉर्ट में प्लीज। हाँ जी, जी मैं ये एक 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 ही मिनट लूंगा। देखिए दूसरा पॉइंट ये है कि जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, देखिए पाकिस्तान की सेना जो है, जैसा आप कह पहले भी कह चुके हैं, ये कभी भी, जैसा आपने भी कहा अभी रिसेंटली, ये कभी भी भारत के दोस्त नहीं हो सकती। तो हमारी, हम पिछले 30 साल से 1988 में जब पाकिस्तान ने अपना परमाणु बम बना लिया, उसके बाद से आज अभी हम 6000 सैनिक खो चुके हैं और शहीद हो चुके हैं और 72,000 लोग, और अभी तक हमारी कोई सस्टेन पॉलिसी नहीं है। अब पहली बार दिख रहा है कि शायद हम कुछ एक सस्टेन पॉलिसी की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, क्या कुछ इसका असर हो सकता है क्या आरपी सिंह साहब? अगर ऐसे ही चला है कि सिंपल सी चीज है कि अभी इमरान खान थोड़ा सा इंडिया के साथ सॉफ्ट कॉर्नर ले रहे हैं, और क्योंकि वो इंडिया में खेल चुके हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी रहे, उनके इंडिया से थोड़ी बहुत जरूर मोहब्बत है, लेकिन जो आपका इंटरनेशनल और आर्थिक दबाव जो चल रहा है, दैट इज द मेन रीजन कि पाकिस्तान को ये मेरे ख्याल से पॉलिटिकली वो वीकर में आ गए हैं, और शायद फौजियों की ताकत उनके ऊपर चल ना पाए। दूसरी बात ये कि कितनी बार चाइना रिफ्यूज करेगा सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, अगर ये बार बार चीजें उठ रही हैं और ये चीजें सच्चाई में दिखी जा रही दुनिया को कि बटगाम जैसे केसेस हो रहे हैं, तो कब तक उसको छोड़ेगा? बिल्कुल, चाइना की खुद की छवि के लिए जो इंडिया ने स्टेप इस बार लिया है, चारों नट टाइट कर चुके हैं, चाहे डिप्लोमेटिक। तो आपको लग रहा है कि कुछ फर्क हो सकता है पहले का रवैया और अब का रवैया? एंड इमरान खान हैज टू एक्सेप्ट ये है, और वहाँ के जो लिबरल्स हैं, पाकिस्तान के जो लिबरल्स हैं, उनके भीतर से भी ये मांग उठ रही है कि अगर इमरान खान खुद को अलग कहते हैं तो कुछ साबित भी करें। बिल्कुल, मेरे पास आज वक्त इतना ही है डिबेट के लिए, इस डिबेट को यहीं पर एंड करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। देखना होगा कि 13 तारीख को जो फैसला होने वाला है संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर को लेकर के, उसमें क्या फैसला होता है और क्या इस बार हम कामयाब होते हैं, क्योंकि बस एक स्टेप हम दूर हैं। और उस बीच पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं उसमें कुछ सकारात्मकता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये पाकिस्तान का पैतरा हो सकता है। आप देखते रहिए नेशनल वॉइस।